नमस्ते प्यारे बच्चों, इंग्लिश फॉर किड्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे डायग्राफ्स और ट्राइग्राफ के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जाना ब्लेंड्स के बारे में, ब्लेंड क्या होते हैं। सो आज हम लोग सीखेंगे डायग्राफ और ट्राइग्राफ के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं डायग्राफ क्या होते हैं। तो हम समझ लेते हैं कि डायग्राफ जो होता है ये ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है और इसमें दो ही लेटर्स होंगे। अब ये दो लेटर्स कौन कौन होंगे? या तो दोनों कॉन्सोनेंट होगा, या फिर दोनों वोवेल होंगे, या फिर एक वोवेल या फिर एक कॉन्सोनेंट होंगे। अब हम समझते हैं डायग्राफ जो होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, लेकिन जब ये साथ साथ आते हैं तब इनकी खासियत ये होती है कि ये कोई यूनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि डायग्राफ जो होते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं जो कि एक यूनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले मैंने दो कॉन्सोनेंट साउंड वाले डायग्राफ के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं, जैसे देखते हैं सी एच, सी एच च। तो अब इसका देखते हैं सी एच ए आई आर, चेयर। तो चेयर में हम देखते हैं सी एच क्या हो गया, ये हो गया डायग्राफ। उसी प्रकार सी एच आई एन, चिन, चिन अर्थात ठुड्डी, ये वाला पोर्शन। तो चिन में सी एच क्या हो गया, डायग्राफ हो गया। उसी प्रकार चीज, सी एच डबल ई एस ई, चीज। तो चीज में सी एच ये वाला जो पोर्शन है ये क्या हो गया, डायग्राफ हो गया। तो यहाँ पे ये जो डायग्राफ हम लोग जो देख रहे हैं ये है दोनों कॉन्सोनेंट साउंड। अब हम बात करते हैं एक वोवेल और एक कॉन्सोनेंट वाले। तो देखते हैं जैसे ए पी, ए पी, ए पी जो है ये भी एक डायग्राफ है। जैसे हम देख सकते हैं सी ए पी, कैप, एम ए पी, मैप, टी ए पी, टैप। तो कैप में ए पी, कैप, मैप, टैप। इसमें हम जो ए पी देख रहे हैं ये भी एक डायग्राफ है जिसमें एक वोवेल और एक कॉन्सोनेंट है। अब हम देखते हैं दोनों वोवेल वाले डायग्राफ के बारे में। जैसे ई ए, एज फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं टी ई ए एम, टीम, बी ई ए एम, बीम, एट्सेट्रा। तो इस तरीके से आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने बुक्स के थ्रू या फिर नेट के थ्रू आप कहीं से भी आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तीन एग्जाम्पल्स दिए, और भी एग्जाम्पल्स मैं आगे आपको दूंगा सीखने के लिए। तो यहाँ पे मैंने तीन एग्जाम्पल्स दिए, जैसा कि डायग्राफ को मैंने बताया था कि डायग्राफ जो होता है ये ग्रुप ऑफ टू लेटर्स होता है। तो सबसे पहले इसमें दोनों के दोनों कॉन्सोनेंट भी हो सकते हैं, तीन तरह के इसमें केस होते हैं। तो दोनों के दोनों कॉन्सोनेंट हो सकते हैं, लाइक सी एच च, ए पी, एप, उसके बाद ई ए, ई। तो टीम, बीम, इट्स, एट्सेट्रा। तो ए पी, ए पी में हम देख सकते हैं कि एक वोवेल है और एक कॉन्सोनेंट है, और ई ए ये दोनों के दोनों वोवेल वाले डायग्राफ हैं। तो डायग्राफ उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं ट्राइग्राफ की तरफ। तो ट्राइग्राफ भी ग्रुप ऑफ लेटर्स ही होता है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है ट्राई और ये डाई, डाई का मतलब होता है दो और ट्राई का मतलब होता है थ्री। तो ट्राइग्राफ जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ थ्री लेटर्स होते हैं। ये भी इनकी एक खासियत होती है कि ये भी एक यूनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं टी सी एच, टी सी एच च, ये भी च साउंड प्रोड्यूस करेगा। जैसे हम देखते हैं मैच में एम ए टी सी एच, टी सी एच। फिर उसी प्रकार कैच, सी ए टी सी एच, कैच। उसी प्रकार पैच, पी ए टी सी एच। तो ये जो आप टी सी एच, टी सी एच, टी सी एच जो आप देख रहे हैं, मैच, कैच,
पैच, और भी बहुत सारे वर्ड होंगे, हैच, लैच, तो ये सब जो वर्ड्स हैं, तो इस वर्ड्स में जो हम टी सी एच जो देख रहे हैं ये क्या है, ट्राइग्राफ है। इसका जो साउंड होगा वो च के जैसा होगा, लाइक किचन, के आई टी सी एच ई एन, तो टी सी एच आप यहां भी देख रहे हैं तो किचन। तो उम्मीद करता हूं कि डायग्राफ और ट्राइग्राफ आप समझ गए होंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, और भी ज्यादा एग्जांपल्स ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं डायग्राफ और ट्राइग्राफ के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं एस एच, श। जब हम एस एच का साउंड क्रिएट करेंगे तो श, ये वाला सा श, तो शिप, एस एच ई ई पी, शिप, साक, शॉप, सट, सी एच च, चीन, चेन, चिक, चेक, चिफ, ई ए। जैसा कि मैंने बताया था कि जो डायग्राफ होते हैं ये या तो दोनों कॉन्सोनेंट होंगे या फिर दोनों के दोनों भावेल होंगे या फिर एक भावेल या फिर एक कॉन्सोनेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम एग्जांपल्स देख रहे हैं वो ई ए, ये दोनों के दोनों भावेल हैं। तो पिक, पिक, बिक, रीड, टी, इट, ये भी दोनों भावेल वाले। रोड, ओ ए, रोड, टोड, रोयर, फॉल, कॉट, बॉट। अब हम यहाँ पे देखते हैं ट्राइग्राफ के बारे में, टी एच आर, थ्र, टी एच आर का जो साउंड होगा वो होगा थ्र, थ्री, थ्रोट, थ्रो, थ्रेड, एस टी आर, स्ट्र, स्ट्र, एस टी आर का जो साउंड होगा वो होगा स्ट्र, एस टी आर, स्ट्र, स्ट्रांग, लाइक स्ट्रांग, स्ट्रेस, स्ट्रॉ, स्ट्रेच, एस क्यू यू, स्क्व, स्क्व, लाइक स्क्वैट, स्क्वीज, स्क्वेयर, स्क्वैश। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।